Nobody reminded me of the recording. Okay, चलो ठीक है. So I'll send a group a link of Google Classroom on the WhatsApp group. Once I send it on the WhatsApp group, you can join that particular classroom. After that, then start posting your MCQ work, which you people have already done. जो लोग कर रहे हैं वो खत्म करके लिंक अपने अपने नाम से भेजना चालू कर दो. वर्क हैंड इन का ऑप्शन आता है तो वहां पे आप कर सकते हो. और उसके बाद देन आई विल स्टार्ट पोस्टिंग सम असाइनमेंट्स फॉर यू. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स रहेंगे, सो दैट आल्सो यू नीड टू कंप्लीट. एज आई सेड, इट्स गोइंग टू बी अ टाइम बाउंड असाइनमेंट. ओके सर, कैन यू प्लीज इन्फॉर्म ऑन ग्रुप वंस यू असाइन. यस यस यस, ग्रुप पे इन्फॉर्म करने से अच्छा है भक्ति, आप लोगों को ना बाय डिफॉल्ट क्लासरूम से मैसेज आएगा. तो जैसे WhatsApp का मैसेज आता है ना आपके मोबाइल पे या सिस्टम पे, तो वैसा ही आपको क्लासरूम पे. मैंने कोई भी अनाउंसमेंट किया, मैंने कोई भी वर्क ऐड किया ना, तो इमीडिएटली आपको ये मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रुप में मैं डालते जाऊंगा इफ रिक्वायर्ड. चलो एनीवे, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा. ओके, और आर्थ्रोपोड्स, जिसमें सबसे पहला सब फाइलम आता है, दैट इज कॉल्ड एज चेलिसेराटा. ठीक है, एंड चेलिसेराटा हैज टू थ्री मेजर क्लासेस. वन इज द मेरोस्टोमाटा, देन सेकंड वन इज पिक्नोगोनिडा, एंड द थर्ड वन इज एरिकनिडा. एरिकनिड्स मतलब वेब प्रोड्यूसर्स. ओके, उसके बाद वी हैव ट्रिलोबाइटोमॉर्फा. एज आई सेड, इट्स एन एक्सटिंक्ट फाइलम, अभी सब फाइलम. ये सब फाइलम अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है. वी जस्ट गेट द ट्रिलोबाइट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. ओके, इसके सिर्फ फॉसिल्स हम लोगों को मिलते हैं, बाकी अदरवाइज. कैम्ब्रियन पीरियड करके एक पीरियड था, मतलब बिफोर, आई थिंक इट वॉज बिफोर जुरासिक एरा, उससे पहले था. तो उसके बाद ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए. सर फिलिप, अब फीलिंग आएगी स्कूल की, आई नो. ईशानी बोल रही है लाइक लास्ट ईयर सबमिटिंग असाइनमेंट बिफोर ड्यू डेट. करेक्ट, वैसे ही करने का अभी मेरे को. एंड नेक्स्ट वन इज द मैंडिबिलाटा, विच इज अनदर सब फाइलम, विच हैज द क्लासेस लाइक क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पोरोपोडा एंड सिम्फाइला. सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. जैसे मैंने बताया ट्रिलोबाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रिलोबाइट्स आर बेसिकली द एक्सटिंक्ट एनिमल्स. सो दे ऑफ कोर्स ट्रिलोबाइट्स की अगर हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट ट्रिलोबाइट्स, तो ट्रिलोबाइट्स में भी दे हैड द सेगमेंटेड बॉडी. ओके, इनका बॉडी हमेशा सेगमेंटेड था. देन दे हैड एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीनिंग लार्वा डेवलपिंग इनटू अ एडल्ट वन. एंड एज आई सेड, अराउंड 4,000 स्पीशीज वर देयर. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नाउ एक्सटिंक्ट. ये कभी था? कैम्ब्रियन पीरियड में. एवोल्यूशन में है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट.
आप लोग साइमल्टेनियसली लिखना चालू करो हाँ, जो जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. सॉरी आई एम बैक. ओके, सो दिस एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट कैम्ब्रियन पीरियड. अभी ये पीरियड वगैरह क्या होता है ना, तो जैसे यू नो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है एवोल्यूशन में, जो एवोल्यूशन का स्टडी हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ. सो इट हैज ऑल स्टार्टेड मे बी यू नो 4.9 बिलियन ईयर्स अगो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वहां पे ना वी हैव अ सेट फॉर्मेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन ऑफ द एवोल्यूशन, हाउ इट कैन बी जियोग्राफिकल टाइम स्केल ऐसा उसको बोलते हैं. तो वो किस तरीके से होता है, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द एरा, एरा देन कंटिन्यूज विद द पीरियड, एंड पीरियड ओडी, एंड पीरियड देन कंटिन्यूज विद द इपोक. ऐसा रहता है. सो कौन सा एरा है, कौन सा पीरियड है, कौन सा इपोक है. इपोक इज द पर्टिकुलर लेवल, मतलब ये ऐसा टाइम स्पैन है जहां पे नया स्पीशीज या फिर नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है. सो दैट्स कॉल्ड एज द इपोक. यानी एक ऑर्गेनिज्म है कुछ फ्यू थाउजेंड इयर्स या फिर फ्यू लाख इयर्स तक वो है, उससे फिर डेवलप होके नया एनिमल बना, तो वो बन गया एक इपोक. और जो नया एनिमल बना है उससे आगे चला जाएगा दूसरा इपोक. पीरियड जो मैंने अभी बताया कि पीरियड इज अ सब डिविजन ऑफ द एरा. तो जुरासिक एरा वगैरह ऐसे, प्लेस्टोसिन एरा, ऐसे बहुत सारे एराज है. सो वो एराज से डिवाइड होके पीरियड्स बनते हैं, पीरियड से डिवाइड होके इपोक्स बनते हैं. तो ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है ना, बहुत पुराना है, ठीक है. एंड ट्रिलोबाइट्स नाउ आर फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स. सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं, बाकी इसका कोई हम लोगों को एविडेंसेस, लाइव एविडेंसेस एनिमल्स के नहीं है. सो दिस इज योर ट्रिलोबाइटोफोरा, ट्रिलोबाइटोमॉर्फा. इसके लिए मैंने जल्दी ले लिया बिकॉज उसमें कुछ है नहीं, राइट. सेकंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेलिसेराटा. जो सब फाइलम हम लोग पढ़ रहे थे ना, दैट इज चेलिसेराटा. अभी चेलिसेराटा में क्या होता है, जैसे चेलिसेराटा में भी टिपिकल, अभी सारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं, सॉरी ऑर्थ्रोपोड्स होने के कारण दे ऑल बिलोंग टू सम इंसेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सर ट्रिलोबाइट्स फोर्थ क्लासिफिकेशन है, नहीं ट्रिलोबाइटोफोरा एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, इफ यू चेक दिस एक मिनट. हाँ ये देखो, सबसे पहला चेलिसेराटा है, फिर ट्रिलोबाइटोमॉर्फा है, और फिर मैंडिबिलाटा है. तो फर्स्ट सब फाइलम वी हैव स्टडीड नुपुरिस चेलिसेराटा, जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिखा था. सेकंड सब फाइलम इज ट्रिलोबाइटोमॉर्फा एंड द थर्ड वन इज मैंडिबिलाटा. आई हैव टेकन ट्रिलोबाइटोमॉर्फा राइट नाउ बिकॉज इट डज नॉट हैव मच डिस्क्रिप्शन बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर एक्सटिंक्ट. तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए. ओके नुपुर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन, दैट इज चेलिसेराटा. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेलिसेराटा. अभी इसका बॉडी डिवीजन जो होता है ना, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज वन इज द सिफेलोथोरैक्स, एंड अलोंग विद द सिफेलोथोरैक्स इट्स गोइंग टू हैव द एब्डोमेन. सो पूरा बॉडी डिवीजन जो है ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट आएंगे, दैट इज सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव नो एंटीने, ठीक है. एंटीने का स्पेलिंग क्या है देख लो एक बार, मेरा स्पेलिंग भूल गया मैं. नो एंटीने आर प्रेजेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर TENNAE है मेरे ख्याल से. एक मिनट मैं वापस चेंज करता हूँ एंटीने का स्पेलिंग, नहीं तो आप बोलोगे ये कैसा टीचर है, इसको स्पेलिंग भी नहीं आता है. शिट, मैंने सब निकाल दिया, आई एम सो सॉरी. एनीवे चेलिसेराटा, ओके. सो बेसिकली सिफेलोथोरैक्स, व्हाट इज सिफेलोथोरैक्स, कैन एनीवन टेल मी. सिफेलोथोरैक्स इज लाइक हेड एंड थोरैक्स रीजन इज मिक्स्ड अलोंग विद द एब्डोमेन. तो बॉडी डिवीजन इस तरीके से होगा, एब्डोमेन. श्रद्धा हैज रेज द हैंड. एब्डोमेन नहीं रे, मेन, मेन MEN. क्या हो गया श्रद्धा? अच्छा, श्रद्धा को माइक ऑप्शन चाहिए. ओके चलो, ये हो गया सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. एंड एज आई वाज सेइंग दैट दे डू नॉट हैव नो एंटीने, ANTENNAE, ऐसा है, करेक्ट. NAE के डबल एन है, डबल एन है. चलो एनीवे, नो एंटीने आर प्रेजेंट हियर इन दिस एनिमल, सो दे डू नॉट हैव द एंटीना, और इवन दे डू नॉट हैव द ट्रू जॉज. इनको जॉज नहीं रहते. हेलो सर,
Alok is saying, hello sir, I was late. Had you given any important notice or something? Do we have to send? No. It's okay, Alok. I had told, but then somebody told me that there is a link available. This is regarding the classroom. Okay, Google Classroom मैंने create किया हुआ है, so I'll send a link on the group. You don't have to do anything, and then rest of the instructions will be given on the group. So don't worry. Okay, so ये हो गया हमारा एक important कुछ important characteristics. इनका जो respiration जो होता है, that is breathing or respiration is with the help of book lungs. ये याद है ना आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? Book lungs रहेंगे या फिर they will have some organisms will have even lungs. ठीक है, ये स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस वो सब एनिमल्स इसके अंदर आना चालू हो जाते हैं. सो नेचुरली वी कैन टेक द एग्जांपल हियर इज अच्छा दे विल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. जॉइंटेड अपेंडेजेस विल बी देयर. ओके, सो दे ऑल विल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. बुक दुख नहीं रे बाबा श्रुति, बुक वो बी है मेरा, गलती से डी की तरह दिख रहा है तुम लोगों को. ओके, सो दे विल हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस. द लेग्स विल बी प्रेजेंट हियर फॉर द मूवमेंट. मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी प्रेडेशियस, यानी मारने वाले खूंखार लोग होते हैं ये. ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर कॉमनली सीन इन चेलिसेराटा. बुक लंग्स का मतलब आता है बुशरा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ये. I don't know why you don't remember, but the lungs they appear something like this. उनके जो lungs यानी respiratory organ जो होते हैं ना, वो इस तरीके से दिखता है. So it appears as if it's an open book like this. तो इसके लिए उसको नाम दिया है book lungs. सर फॉर न्यू बैच जितने चैप्टर्स हुए हैं उतने की ही या देखो कोई भी अभी एमसीक्यू की बात वापस आई है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो जो लोगों ने जितने जितने चैप्टर्स किए हैं, जिनका चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, उनको उसी चैप्टर का भेजना है. चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आप कहाँ से एमसीक्यू भेजोगे ना. सो दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, चलो एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कॉर्पियंस. ओके, स्कॉर्पियंस का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्रैब्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो. ओके, अच्छा इसमें सर उसका भी टाइम लिमिट, अमन उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना कर दो, फटाफट आपका काम हो जाएगा. चेलिसेराटा में आपका क्लासेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन क्लास कॉल्ड एज मेरोस्टोमाटा. Okay, so this is one class which we have, that's called as Merostomata. 5 to 6 pairs of jointed appendages, pairs of appendages will be there. Okay, 5 to 6 pair nahi hai. Yeah, 5 to 6 pairs of jointed appendages will be there. The gills are exposed. Gills ekdam aise bahar ki taraf. Sir, new students ke kitne chapters hue hai? Abhi aap hi dekh lo na Zoya beta, aapke jitne hue utne. Agar aapka kuch bhi nahi hua hai, to it is fine. Jo ekdam naye students hai, unka ek hi chapter hua hai. That is digestion and absorption. Baki they are with me right from living world. Okay, to aap kitne new hai, wo mujhe pata nahi hai beta. सर सो न्यू बैच हैज कंप्लीटेड विद ओनली वन चैप्टर. अरे बापरे, ओके, प्लांट किंगडम में एक का प्लांट किंगडम हुआ है. चलो देखते हैं अभी, है ना, ये बात हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं प्लीज. ओके, लेट मी हैव अ वर्ड विद ऑल योर एडमिन्स. किसने किसने आपको क्या क्या मैसेज दिए वो मुझे कुछ पता नहीं है. अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ शेड्यूल एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर एक्स्ट्रा लेक्चर्स. ठीक है, तो न्यू बैच के अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर्स होने वाले हैं. चलो पूजा मैडम को मैं पैनलिस्ट बना देता हूं. नहीं नहीं श्रुति, आप लोगों को आपके खुद के एमसीक्यूज बनाने हैं, कॉपी मत करो. कॉपी करोगे तो क्या फायदा, मुझे क्यों चाहिए, मेरे पास है फिंगर टिप्स. ओके, सो आप अपने दिमाग से खुद बनाओ, मतलब चैप्टर रीड करते करते एमसीक्यू बनाने का, तो उससे आपका चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके श्रुति, या गुड. And Merostomata में mostly these animals are aquatic. बाकी characteristics will remain the same. इसमें बहुत ज्यादा अलग characteristics नहीं. Generally फिर इसमें crabs वगैरह आते हैं,
तो ये सब आएंगे, लेकिन अभी कैसा होता है ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एग्जाम्पल्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है। कुछ जनरली ये सारे आपको एक्वेटिक फॉर्म में मिलेंगे, दैट इज मेरोस्टोमाटा, ओके, हैविंग लार्ज आईज, बड़ी बड़ी आंखें इनकी होती है। मेरोस्टोमाटा सर मिनिमम कितने, 50 मिनिमम अथर्व। मेरोस्टोमाटा के बाद आता है पिक्नो गोनीडा, ओके, वी हैव अनदर क्लास दैट्स कॉल्ड एज द पिक्नो गोडिना गोनीडा। नाउ दे विल हैव 10 जनरली सेगमेंटेड बॉडी रहेगा, ठीक है। इनका बॉडी जो रहता है वो सेगमेंटेड रहता है, सेगमेंट्स आर मेजरली प्रेजेंट ऑन दी एब्डोमेन। इनके जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन दी एब्डोमेन, सो एब्डोमिनल सेगमेंट्स विल बी देयर। देन वी हैव 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 4 पेयर, पेयर्स क्यों लिखा, पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। तो इनको 4 पेयर्स रहते हैं। सो सम ऑफ देम दे विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट 3-legged larva। 3-legged larva is a characteristic of Pycnogonida, ठीक है। Generally they are marine forms, okay? Pycnogonida के जो animals होते हैं they are generally marine forms रहते हैं, and the example you can write here as Pycnogonium, that is the name of the animal, Pycnogonium. सर लेगेड मतलब लेग्स, लेगेड इज लाइक यू नो प्लूरल ऑफ लेग। क्या हुआ आदित्य, आदित्य क्यों बाहर चला गया था क्या आदित्य? सर लास्ट लाइन मेरोस्टोमाटा में क्रैप्स का एग्जांपल ले सकते बेटा आप। हाँ मेरी राइटिंग ब्यूटीफुल है श्रुति, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखने की। हाँ ये सर आदित्य दे दिया माइक ऑप्शन मैंने आपको। सोफिया आ गई, सोफिया को दे दो माइक का ऑप्शन। क्या चाहिए था आपको, लास्ट स्लाइड ना, समबडी आस्क मी फॉर द लास्ट स्लाइड। ये मेरोस्टोमाटा है, अरे ये किधर गया, पिक्नोगोनिडा मैंने एकदम आगे लिख दिया। ये वाला स्लाइड चाहिए मेरोस्टोमाटा, यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ क्रैब्स। क्रैब्स भी एक्चुअली टिपिकल नहीं आते, लेट्स सी मेरोस्टोमाटा के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया, यस सर। अच्छा ये वाला हो गया पिक्नोगोनिडा, एग्जांपल इज पिक्नोगोनियम, ओके। पिक्नोगोनिडा के बाद नेक्स्ट वन इज एरिकनिडा, अच्छा एरिकनिड्स जो होते हैं वो आपने को पता ही है ना, एरिकनिड्स आर व्हाट, एरिकनिड्स का मतलब क्या आता है, the one which is known to produce the web producers, very good, so they are basically the web producers, okay, so these animals are basically the web producers, so isme scorpions aayega ya fir typical example of this spiders, yeah, scorpions and spiders, so these are the examples of this, so they will have an exoskeleton, presence of exoskeleton, हैंडराइटिंग अच्छी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी, किसी ने मुझे टोका इधर सर आपकी हैंडराइटिंग देखो, सो एक्सोस्केलेटन विल बी प्रेजेंट विथ द सेंसरी हेयर्स, विथ सेंसरी हेयर्स ऑन द लेग्स विल बी, अच्छा ये साइन विथ का है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट राइट दिस, आप ऐसा ही लिखो विथ, मेडिकल में जाने के बाद आपको ये आएगा, मेडिकल में ना ऐसा रहता है, दिस इज कॉल्ड एज विथ एंड दिस इज नोन एज विच, बुक्स में आपको ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी ओविपैरस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग टू बी ओविपैरस एंड देर वोंट बी एनी मेटामॉर्फोसिस सीन, मतलब डायरेक्टली डेवलपिंग रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, स्पाइडर्स का, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस ऐसा एग्जांपल आप
दे सकते हो इसमें। बाकी कैरेक्टर्स विल रिमेन द सेम, जो हम लोगों ने अभी तक अर्थ्रोपोडा के जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े ना वो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई एम गिविंग टू यू विच आर देयर इन दिस पर्टिकुलर क्लासेस, ओके, जो डिस्टिंग्विश करता है इनको। खत्म हो गया मेरा ये। हाँ बेटा, ओवीपैरस मतलब, ओवीपैरस मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। एग लेइंग, वेरी गुड। द एनिमल विच इज नोन टू ले दी एग्स। बुक गिल्स आर द सेम ना, बुक लंग्स, बुक गिल्स। बुक गिल्स विल ऑल्सो हैव द सेम अपीयरेंस लाइक द बुक लंग्स। या प्रिमिटिव इसमें आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, माइक ऑप्शन, निशिता ब्रह्मा। निशिता हाथ ऊपर किया क्या आपने? हाँ एक मिनट। अरे बाबा इतने लोग। दीपिका, नुपुर, ईशान, क्या लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? नुपुर हाथ नीचे कर बेटा। सर वो फर्स्ट लाइन में सेंसरी के बाद में क्या है? फर्स्ट लाइन में सेंसरी के बाद में क्या है? किधर? सेंसरी हेयर्स। ओके हाँ ठीक है, हो गया ये सर। हाँ सेंसरी हेयर्स वर्क्स एज एंटीना। सेंसरी हेयर्स नॉट एंटीना, एंटीना अलग रहेगा। दीज आर द सेंसरी हेयर्स which will help in, जैसे legs के ऊपर रहते हैं, body के ऊपर रहते हैं, so they will help in sensing the vibrations. तो vibrations से उनको पता चलता है ना कि predator है कि prey है, ठीक है? Yes sir. And antenna are different. Antenna अलग structure रहेगा. Done. आगे बढ़े. Sir but या पिकनोगोनियम इज ऑल्सो वन ऑफ द, अभी कैसा है ना इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए करके उनका क्लास बदला हुआ है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स विल रिमेन द सेम। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोड्स, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में, तो वो हिसाब से ये चेंज होते जाता है, ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, ओके, मोर और लेस विल रिमेन द सेम, सिर्फ कुछ फीचर्स अलग है करके उनका ग्रुप अलग बन गया, ठीक है। हाँ ओके चलो, ये हो गया हमारा एरिकनिडा। उसके बाद आता है, किधर गया मेरा पेन, या मैंडिबुलाटा। अच्छा अभी मैंडिबुलाटा मतलब क्या आता है? द ऑर्गेनिजम्स हैविंग मैंडिबल। व्हाट इज मैंडिबल? जॉ बोन। हाँ करेक्ट। सो बेसिकली जॉड एनिमल्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर जॉ या फिर माउथ ऐसे डेवलप होना चालू हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। सो बॉडी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनको रहेगा हेड एंड थोरैक्स, ठीक है। तो जो पहले सिफेलोथोरैक्स था वो अभी बदल के बन गया हेड एंड थोरैक्स। एक्चुअली थोरैक्स की जगह बेटर वर्ड विच वी कैन राइट हियर इज द ट्रंक, क्योंकि थोरैक्स होगा तो वापस ऐसा आएगा कि एब्डोमेन नहीं है क्या सर इसको, तो इसको एब्डोमिनल रीजन भी रहेगा। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज, आई विल राइट हियर एज ट्रंक, ओके। सो दे विल हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, तो इनका डिफाइंड हेड रहेगा। सो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ऐसा एक प्रॉपर डिवीजन इनका होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो द ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। सो दैट इज द डिवीजन ऑफ द ट्रंक। सो बेसिकली दिस एनिमल विल हैव हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, वन और टू एंटीने, ठीक है। सो दे विल हैव दिस एंटीने, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ जॉस। सो वी हैव द वन पेयर ऑफ जॉ, तो ये जॉ में भी क्या रहेगा? मैंडिबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैंडिबल एंड अ जॉ बोन? ये पूरा जॉ है ना हमारा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। What is the speciality of mandible?
Can anyone tell me? It is upper jaw. No. It is movable. Ha, correct, perfect. So it is basically movable. तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द मैंडिबल बोन चबाने में. सो नेचुरली ये मैंडिबल आटा में भी किसके लिए काम में आएगा, तो उसी के लिए काम में आएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी सी. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स. ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस विल बी देयर, सो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स विल बी देयर. द सेक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स सेक्सेस आर डिफरेंट. ओके, तो ये एनिमल के जो सेक्सेस होते हैं वो भी सारे अलग रहेंगे. सो ईदर द एनिमल इज ओवीपैरस और एनिमल इज ओवोवीविपैरस. मतलब क्या रे, कौन बताएगा इसका मतलब? ओवीपैरस और डू नॉट लेग्स. नहीं, दे वन इज एग लेइंग. So egg will hatch or fertilize outside the body. Ovoviviparous mein the animal will lay the eggs, but from the egg the young one will develop. Samajh mein aa raha hai? So that's called as ovoviviparous. Viviparous matlab giving birth to young one na. So ande mein se young one aate hai. Jaise ye hota hai na, crocodile, dinosaurs ka example hai. Crocodile hai. Aditya Mahajan ko kya ho raha hai? Aditya aaj tu bar bar lagatar bahar ja raha hai. नेट नॉट स्टेबल आदित्य. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज द ओवो वीवी पैरस. तो ये मीनिंग आता है ओवो वीवी पैरस का. एक मिनट आ, मुझे ये थोड़ा सा अभी स्लाइड ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि बीच में एक स्लाइड मेरा वेस्ट गया. उससे फिर यंग वन डायरेक्ट डेवलप होता है. तो एग फाड़ के बाहर आते हैं ना वो एनिमल. सो दैट इज ओवो विविपैरस वाला कॉन्सेप्ट. ओके okay? अच्छा, ये मैंडिबुलाटा हमारा सब फाइलम है. हां बाय द वे सर, ओवीपैरस मध्ये काय होतो ना? ओवीपैरस मध्ये बेटा एक लेंगे, अंडे दे दिए, बराबर है. और ये जनरली क्या होता है इसमें, फिर एक लेइंग होने के बाद उसका हैचिंग होता है. हैचिंग होने के बाद फिर यंग वन आएगा. यहां पे ये एक के अंदर ही यंग वन डायरेक्ट डेवलप हो रहा है. मतलब डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एग केस, ऐसा रहता है. यस, लाइक चिकन, करेक्ट सर. हाँ, कौन है सर? दैट मींस देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन ओवीपैरस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ओवीविपैरस, राइट? परफेक्ट. ओके सर, चलो हो गया. ये मैंडिबुलाटा इज डन. ये एक सब फाइलम है अपना, बाय द वे. This is your subphylum. अभी इसके क्लासेस अपने को पढ़ने हैं. सर मतलब ओवीपैरस में हैचिंग नहीं, हैचिंग होता है ना बेटा अमन, तभी तो वो होगा ना, नहीं तो कैसे होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. अभी इसमें क्लास आएंगे, सब फाइलम मैंडिबुलाटा के क्लासेस है. कौन से? सबसे पहला जो क्लास हमने पढ़ा दैट इज क्रस्टेशिया. क्रस्टेशिया, एस ई ए ना, सी ई ए, सॉरी फिर से लिखता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे सर हैंडराइटिंग गंदी, बदमाश लोगे तुम लोग सब. सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी क्रस्टेशिया. अभी क्रस्टेशियंस मतलब क्या? Crabs. हाँ बराबर. तो इसमें टिपिकल प्रॉन्स अगर आप देखते हो तो प्रॉन्स आते हैं, है ना, साइक्लोप्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, लेकिन प्रॉन्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशियंस. क्रस्टेशियंस का मतलब होता है दे विल हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन.
अरे ये ना पीपीटी में नहीं है सानी का, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये पीपीटी में एडेड नहीं है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो जरूरी है वो पीपीटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, था लेकिन वो पता नहीं अभी कहाँ गया, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके. नाउ दीज एनिमल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एनिमल्स. अच्छा, इनका जो हेड होता है ना, दे हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर. इसके लिए तो दे रहा हूं, पूछ रहा एडिशनल, एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे पता है, ठीक है. सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द हेड. द हेड इज मेड अप ऑफ फाइव फ्यूज्ड सेगमेंट्स, ठीक है. जैसे हमारा ये रहता है ना क्रेनियम, जो अलग अलग बोन से बनता है और पूरा हेड बन जाता है, वैसा इनका भी हेड रहता है. तो पांच अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उनको फ्यूज करके ये बनाते हैं, ठीक है. सो टिपिकल जॉ विल बी प्रेजेंट, जॉ विथ द मैंडिबल, जो हम लोगों ने टिपिकल मैंडिबुलाटा का कैरेक्टर पढ़ा, तो वो रहेगा. एक्सोस्केलेटन इज गोइंग टू बी हार्ड, ठीक है. एक्सोस्केलेटन इज गोइंग टू बी हार्ड इन दीज एनिमल्स, जनरली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम, ऐसा बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, लाइम डिपॉजिट्स रहते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ वी सी द एक्सोस्केलेटन एज एन इंपॉर्टेंट. एंटीना विल बी प्रेजेंट, बाकी सारे कैरेक्टर सेम है जैसा हम लोगों ने मैंडिबुलाटा में पढ़ा था. एंटीना विल बी प्रेजेंट, फीमेल इज नोन टू कैरी द एग्स, एग्स यूजुअली आर कैरीड बाय द फीमेल, डेवलपमेंट इज विद द लार्वा. अगर आप डेवलपमेंट इसका देखते हो तो इसमें दे हैव द डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा, लार्वा बीइंग प्रेजेंट हियर. यू कैन टेक द एग्जांपल एज प्रॉन्स इज अ टिपिकल एग्जांपल, साइक्लोप्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशिया. यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, परफेक्ट दीपिका. सो दे विल हैव द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, if C phylogenetically is mandibulate more developed, yes of course Gaurav. इसके लिए तो हम लोगों ने मैंडिबुलाटा आखिरी में लिया है ना, क्योंकि it is comparatively better developed. और इसके लिए इसके classes भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है, 6 classes है ना, ठीक है. अच्छा, next class जो रहेगा हमारा, that is कौन सा है, चिलोपोड़ा. और चिलोपोड़ा में टिपिकल एग्जाम्पल आता है, बाकी कैरेक्टर्स आपको आ जाएंगे, सेंटीपेड्स, ठीक है. सेंटीपेड्स आपको पता है ना, व्हाट इज आफ्टर प्रॉन, साइक्लोप्स. दिस इज CYCLOP, साइक्लोप्स. हाँ बराबर. सो जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं, बॉडी सेगमेंट्स रहेंगे उनके, राइट फ्रॉम 15 टू बॉडी सेगमेंट्स रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है. और कितने सेगमेंट्स रहेंगे, ऑलमोस्ट फ्रॉम 15 to 180 सच सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, एंड ईच सेगमेंट विल हैव पेयर ऑफ लेग्स, डिपेंड्स ऑन द एनिमल, ठीक है. और हर एक सेगमेंट में क्या रहेगा, वन पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है. एवरी सेगमेंट विल हैव वन पेयर ऑफ लेग्स, ओके. सेंटीपेड्स को एंटीना नहीं होता है बेटा, हेड रहता है ना उनको एक प्रॉपर, अच्छा रहता है लेकिन जॉइंटेड एंटीनेज है, सॉरी एंटीने आर देयर, बट जैसा आपको कॉकरोच में या बाकी के एनिमल्स में दिखेगा ना, वैसा एकदम टिपिकल नहीं मिलेगा, दे आर ऑल जॉइंटेड एंटीने सेंटीपेड्स में. हेड रीजन विल बी डिस्टिंक्ट, जैसा हम लोगों ने बाकी के एनिमल्स में देखा वैसा इसमें भी रहेगा. टेरेस्ट्रियल है, नॉक्टर्नल, इनका हैबिट जो रहता है वो रहता है नॉक्टर्नल हैबिट्स. सर राउंडवर्म भी, राउंडवर्म नहीं है बेटा, राउंडवर्म अमन इज कंप्लीटली डिफरेंट. राउंडवर्म कम्स अंडर व्हाट, नेमेटोडा. हम लोग ये आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं बेटा, राउंडवर्म में कहां रहता है, राउंड वर्म में दे डोंट हैव द लेग्स. अमन अमन झोपला है,
आर यू स्लीपिंग मिस्टर अमन? क्या हो गया आपको? राउंड वर्म कहां से आ गया इधर? आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस. डू राउंड वर्म हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस? नो. अद्वय ठाकुर हैज रेज द हैंड. क्या हो गया अद्वय? यू वांट टू से समथिंग? नो सर, माइक ऑप्शन चाहिए. ओके. द नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेग्स इज जितने सेगमेंट रहेंगे उतने पेयर ऑफ लेग्स. एवरी सेगमेंट विल हैव वन पेयर ऑफ लेग्स इन दिस एनिमल सेंटीपेड्स. इसके लिए किसी ने मुझे बताया था ना, 100 लेग्स होते हैं सर उनको. सर उसका नाम क्या है? वो रेड रहता है. अरे उसमें सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स ऐसे अलग अलग आते हैं ना, तो वो रेड कलर का जो रहता है ना वो सेंटीपेड रहता है. मेरे ख्याल से इसको हम लोग पैसा वगैरह ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं. ऐसा गोल गोल रहता है, ऐसा बैठ जाता है वो. हाँ करेक्ट. हैबिट के पहले क्या है? किधर? नॉक्टर्नल. इट इज नॉक्टर्नल, नाइट हैबिट्स. डन. हो गया लिख के? यस सर. ओके चलो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक टिपिकल चिलोपोडा. देन वी हैव डिप्लोपोडा. डिप्लोपोडा ही है ना सर? इंसेक्टा. डायरेक्ट इंसेक्टा है? यस सर. चलो सेकंड ही था इंसेक्टा. अच्छा चलो पढ़ते हैं इंसेक्टा बाद में पढ़ते, इसके बाद इंसेक्टा पढ़ लेते हैं. अच्छा डिप्लोपोडा में वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ मिलीपेड्स. Millipedes, millipedes, centipedes और millipedes. एक बार देख लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा. ठीक है, centipedes and millipedes, ऐसे दो अलग अलग एनिमल्स है. ठीक है, 7500 स्पीशीज है ये एनिमल्स का. बहुत सारे अलग 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 स्पीशीज ये एनिमल के हम लोगों को मिलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, पूरे क्लासिफिकेशन में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, मिलीपेड्स आते हैं. मिलीपेड्स के बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, दे हैव सेवन सेगमेंटेड एंटीने. Okay, so they will have seven segmented antennae with a jaw and etc. The thorax of this particular animal, ये जो millipedes होते हैं, इनका जो thorax रहता है, they will have four segments. ठीक है, thorax मतलब chest region. So chest region will have the four segments and उसमें से पहला जो रहता है ना उसमें लेग्स नहीं रहेंगे, बाकी हर जगह पे दे विल बी लेग्स. अगेन एब्डोमिनल रीजन जो रहेगा, एब्डोमेन जो रहेगा, सो एब्डोमेन विल बी, इट विल बी लाइक मोर देन 100 सेगमेंट्स आर देयर. ठीक है, इट इज लाइक मिनिमम इज 9 to 100 एंड मोर सेगमेंट्स आर प्रेजेंट. एंड ईच सेगमेंट विल हैव, each segment will have the pair of appendages. ठीक है, so two pairs of legs, very important. Each segment has two pairs of legs. मतलब double है. Centipede में single pair था, तो इसमें दो pairs है, two pair of legs है. Thorax का जो first segment होता है, this first segment is legless. उसमें pair होते नहीं है. And development of these animals is direct. Development of these animals is the direct one. No kolo. Development is going to be direct. Mala pani dehne zara. ठीक है. Millipedes is an example of this. Millipedes देखा क्या आपने सर? मराठी मध्ये पैसा बोलू शकतो. याला पैसा मंटा, इसको बोलते हैं कि सेंटीपेड को थोड़ा फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा. अभी मुझे भी एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा. मिलीपेड इज नॉट कॉल्ड एज पैसा, आई थिंक सेंटीपेड इज नोन एज पैसा. ठीक है, मिलीपेड्स ला पैसा बोलू शकतो, सेंटीपेड्स फार मोठे होऊन जातात. ओके चलो देख लेते एक बार. अच्छा अभी ना डिप्लोपोडा, डिप्लो का मीनिंग क्या आता है? टू. हर एक सेगमेंट में कितने पेयर ऑफ अपेंडेजेस है? टू. इसके लिए पोड़ा मतलब लेग्स,
वणु ऐसा कुछ तो भक्ति बोल रही है वणु म्हणतात ठीक है एनीवे थोड़ा इधर ध्यान दो हम लोग वो मराठी में क्या बोलते हो बाद में देखते हैं डिप्लोपोडा इज बेसिकली बिकॉज दे हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस और जॉइंटेड लेग्स इन एवरी सेगमेंट हर एक सेगमेंट में दो दो पेयर होते हैं इसके लिए इसको नाम दिया है डिप्लोपोडा ओके अच्छा डिप्लोपोडा के बाद देन नेक्स्ट वी हैव पोरो अच्छा ये पोड़ा पोड़ा कर लेते हैं बाद में इंसेक्टा ले लेते पोरोपोडा है ना दूसरा एक जो हम लोगों ने क्लास देखा था दैट इज पोरोपोडा क्या हुआ समबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग एक मिनट हाँ किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया यस क्या अच्छा नीचे कर लिया पता नहीं क्यों एनीवे वी हैव द अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल दैट्स कॉल्ड एज द पोरोपोडा ठीक है दिस इज अनदर एनिमल विच वी हैव नाउ दिस इज सिमिलर टू मिलीपेड्स ओके सिमिलर टू मिलीपेड्स लेकिन बहुत छोटे होते एकदम छोटे एनिमल होते लुक्स लाइक रिजेंबल्स मिलीपेड्स ठीक है दे डू नॉट हैव एनी आईज देर आर नो आईज बींग प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एनिमल इनको आंखें नहीं होती है द बॉडी इज गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल ऑफ अराउंड 11 सेगमेंट्स ठीक है इसके अंदर 11 सेगमेंट्स होते हैं द बॉडी विल शो द 11 सेगमेंट्स That is another important characteristics which we have. And then we are going to have the dorsal plates, which will, now these 11 segments will have around 10 pairs of legs. Okay, 10 pairs of legs are present here in this case. Very important, the larval stage is present. So larva is produced, so development is indirect in these animals. Now, Poropus is an example. Paurops. Yeah, Poropus is an example of this. Chota sa animal hai, 0.5 to 1.8 mm. Aisa length diya hai uska. Theek hai? Length of this animal is from 0.5 to 1.8. Bahut chota animal hai ye. Theek hai? Is tarike se iska length hota hai. Very small. सर यस कौन है सर ऋतुजा बोलना बेटा सर लास्ट की स्पेलिंग जो पोरोपस है या पोरोपोरस है पोरोपस पीयूएस ओके सर पीयूएस दैट इज द एग्जांपल ठीक है ये हो गया हमारा पोरोपोडा अच्छा इसके बाद आता है सिम्फाइला करके था ना एग्जाम्पल ऑफ सिम्फाइला इज गार्डन सेंटीपेड्स ठीक है एग्जाम्पल ऑफ दिस इज गार्डन सेंटीपेड्स 6 mm लॉन्ग रहता है सिलेंड्रिकल बॉडी बाकी सिमिलर एडल्ट जो रहता है इसका द एडल्ट विल हैव 12 पेयर्स ऑफ लेग्स ठीक है एडल्ट को रहते हैं 12 पेयर्स ऑफ लेग्स सो दैट इज द टिपिकल इसका एग्जांपल लिख लो सिम्फाइला का एग्जांपल यू कैन राइट हियर जो कंटिन्यू कर रहा हूं द एग्जांपल इज कटीगेरिला ठीक है द एग्जाम्पल इज कटी गेरिला दैट इज द एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड एज द गार्डन सेंटीपेड बाकी कैरेक्टर्स विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम ज्यादा फर्क नहीं है सर सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन सेंटीपेड एंड गार्डन सेंटीपेड थोड़े से कैरेक्टर्स में फर्क आएंगे ना अभी सेंटीपेड हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कौन सा था वो फाइल क्लास चिलोपोडा बराबर है ना तो उसमें टिपिकल सेंटीपीड्स थे तो वहां पे एनिमल का साइज भी बड़ा था नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी ज्यादा थे
करेक्ट हैबिट्स है ना उनके, वो जिस तरह से जैसे रहते हैं वैसा उनका हैबिट्स दिया गया है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉमन सेंटीपेड्स एंड द गार्डन सेंटीपेड्स. गार्डन सेंटीपेड्स आपको जनरली ऐसे रीजन में मिलेंगे जहां पे ग्रीनरीज है, बिकॉज दे आर नोन टू सर्वाइव ऑन दैट. गार्डन सेंटीपेड्स आर गार्डन सेंटीपेड्स, नॉर्मल सेंटीपेड्स आर नॉक्टर्नल, ये नॉक्टर्नल नहीं है. ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस yes, है, बट एक अलग वैरायटी मिलता है, अलग कैरेक्टर्स के साथ मिलता है करके उनका क्लास उन्होंने अलग कर दिया. ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज नोन एज इंसेक्टा. अभी इंसेक्टा में जितने भी इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो सारे इसके अंदर आते हैं. सो वी हैव वन पेयर ऑफ एंटीने. Correct. So the animal will have one pair of antennae. Defined body will be divided into head, thorax, and abdomen. Okay. So a proper body division will be there. Acha, jointed legs. The thorax of these animals. The thorax of this animal will have the three segments. And each segment will have the jointed legs. So basically they are going to have three pairs of jointed appendages. Yes, it is one of the largest class of arthropoda. Sabse bada class hai. So you can write that also a characteristic. Very good, Deepika. It is the largest class. Yani duniya bhar mein jitne bhi kide makode sab aate hai na, sab iske andar aate hai. Okay. तो जो भी टिपिकल कैरेक्टर्स है ना, जैसे नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम. ठीक है, देन दे आर गोइंग टू हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द क्लोज टाइप. तो ये सब कैरेक्टर्स इंसेक्टा में आपको मिलेगा. राइट, एंड डेवलपमेंट इज यूजुअली इधर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कुछ एनिमल में इट इज डायरेक्ट, कुछ एनिमल्स में इट्स गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. ओके, कोई तो है जिसने हाथ ऊपर किया है. सर लास्ट स्लाइड प्लीज. हाँ एक मिनट ना बेटा. अचानक मैंने एकदम जाना पहचाना सा नाम देखा, तनिष्क तांबट करके. यही तो ना लास्ट स्लाइड है ना श्रुति. एनएस इज नर्वस सिस्टम. हो गया आदित्य? यस सर. सर आई हैव अ डाउट. हाँ मुझे लगा वापस बाहर गया तो बोल बोल. नो सर. सर दिस सेंटीपीड्स, गार्डन सेंटीपीड्स एंड ऑल, सो आर दे पॉइजनस इन नेचर? नो दे आर नॉट. ओके, हार्मलेस ही होते हैं मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स मेरे ख्याल से. मिलीपेड के कुछ वैरायटी इसमें भी ना, बहुत स्पीशीज है एक्चुअली. अगर आप इसका पॉरोपस या फिर पॉरोपोडा के भी 300-350 स्पीशीज है. सेंटीपेड्स का यानी वो जो हम लोगों ने चिलोपोडा देखा उसके भी बहुत सारे स्पीशीज है. द स्पीशीज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट. तो उसमें से कुछ पॉइजनस है, कुछ नॉन पॉइजनस है, ऐसा है. हाँ गोम बराबर सोहम करेक्ट. वो गोम करके कुछ होता है ना जो मराठी में हम लोग बोलते हैं, सो दैट इज पॉइजनस आई थिंक. Yeah, do they bear sting like struck? Yes, they will have, some species will have stinging organs, so that will help them to insert the poison, toxic substance. ठीक है सर. पॉइजन हो या ना हो देख के फट जाती है. हाँ वेरी गुड. मेरी नहीं फटती लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ सर. हाँ सर मैंने सर्च किया था सर, है पॉइजनस. सो कुछ स्पीशीज है इन मिलीपीड्स. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सम क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज है इसमें, सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट. लेकिन उसमें से कुछ स्पीशीज पॉइजनस है, कुछ नॉन पॉइजनस है. हर एक इसमें आएगा वो. ओके, द बॉडी इज सेगमेंटेड ना. हुज इंसेक्ट? इंसेक्ट ना. यस सर. Yes, yes, yes. Insect's body will be segmented. जैसे thorax में 3 segments आते हैं, abdominal segment varies from 5 to 11. Depends on the type of animal.
जैसे कॉकरोच अगर आप देखोगे ना तो कॉकरोच में वी हैव 11 सेगमेंट्स, दे हैव 11 सेगमेंट्स, बट देन एट द टाइम व्हेन दे बिकम एडल्ट द 11th इज फ्यूज्ड विद द 10th, सो टोटल सेगमेंट्स व्हिच वी ऑब्जर्व आर 10. वैसे फीचर्स अलग अलग है, मस्क्यूटो में थोड़ा अलग रहेगा, हाउस फ्लाई में थोड़ा अलग रहेगा, ऐसा. ठीक है? Yes, sir. Yes, they will have two pairs of wings also. Correct. So, organisms of insecta will have the pair of wings also. Some are wing pairs, some are not. Sir, ganglionated ka baat ka kya hai? Ganglionated nervous system. No, antennae are basically segmented one. They are not made up of keratin. They are the segmented antennae and they are made up of the body tissue only. And a typical connective tissue ka bana hua rehta hai. Theek hai? And not the keratin. But then again, they will have bristle-like structures or hair-like structures. And these hair-like structures will help in receiving the sensation. Abdomen mein 5 se 11 segments beta. Depends on the type of animal, Bushra. So, हम कोई idea नहीं है बेटा ये काटने के बाद क्या होता है. अगर poisonous रहेगा तो naturally it will have its own effect ना, तो आपको थोड़ा सा dizziness आएगा या फिर dullness आएगा या फिर you can become unconscious also या फिर there will be a pain. Local toxic poisons होते, there are poisons which are going to affect your entire body and there are poisons which will have an affection only on your local body part. तो कभी कभी सिर्फ जैसे हाथ पे काट लिया ना तो वो वाला हाथ के ऊपर स्वेलिंग आएगा, अलॉन्ग विद द स्वेलिंग देन देयर विल बी रेडनेस, देयर विल बी पेन, देयर विल बी लॉट ऑफ ईचिंग, यू नो स्टिंगिंग सेंसेशन, तो ये सब आता है, दैट्स कॉल्ड एज लोकल इफेक्ट. सम पॉइजंस विल हैव ओवरऑल इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो उसमें राइट फ्रॉम लाइक यू नो वर्टिगो जिसको चक्कर आना बोलते हैं या फिर डलनेस बोलते टू द अनकॉन्शियसनेस, ऐसे वराइटी ऑफ सिम्टम्स आएंगे. ठीक है सोम? Yes, sir. Okay. चलो, insects में some animal will have the direct development, some will have indirect development. Usually it is indirect in the form of larvae. ठीक है? It is usually indirect development. ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक बड़ा सा फाइलम, दैट्स कॉल्ड एज दी आर्थ्रोपोडा. ओके, बाकी कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट. अच्छा, लाइफ साइकिल इनका टिपिकल होता है. लाइफ साइकिल कैसा रहेगा? सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव एडल्ट. ओके, एडल्ट विल गिव द फर्टिलाइज्ड एग्स. एग्स विल टर्न इनटू व्हाट? द एग्स विल टर्न इनटू द लार्वा. लार्वा विल टर्न इनटू द प्यूपा एंड प्यूपा विल टर्न इनटू द एडल्ट वन. ठीक है, सो ऐसा ये टिपिकल लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सारे एनिमल का होता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता. आईज भी देखोगे तो कंपाउंड आईज रहते हैं, है ना? आंखें अगर आप देखते हो इनकी तो दे आर बेसिकली कंपाउंड. यस, लाइक बटरफ्लाई. बटरफ्लाई ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम ना बेटा. अगर आप इनका फ्रंट रीजन देखते हो, आगे से अगर एनिमल का हेड माउथ देखते हो, सो इट अपीयर्स लाइक दिस. दिस इज देयर अपीयरेंस ऑफ द हेड फ्रॉम फ्रंट. ये ऐसे दिखता है, बराबर है? ठीक है, सो दे विल हैव द स्टिंगिंग ऑर्गन्स हियर, राइट? एंटीना विल बी प्रेजेंट हियर, बट दे आर गोइंग टू हैव द कंपाउंड आईज लाइक दिस. ओके, ये कैटरपिलर इज लार्वे ऑफ बटरफ्लाई, करेक्ट. सो ये ऐसे कंपाउंड आईज रहेंगे और ये कंपाउंड आईज में बहुत सारे छोटे 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 आईबॉल्स होते हैं. दीज प्लेंटी ऑफ, कुछ ऐसे 1500 ऐसा 2000 ऐसे आईबॉल्स होते हैं एंड दीज आर नोन एज ओमेटिडिया. ओके, यस, मक्खी की तरह. एंड ईच आईबॉल प्रोड्यूसेस अ सेपरेट विजन एंड एज दीज आईबॉल्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर सो इट गिव्स अ मोजाइक इमेज. तो इनको ना एक ऐसा बड़ा अजब सा इमेज आता है. सो द ब्लर्ड इमेज विल बी देयर, सो दे विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम क्लियरली, क्योंकि आईबॉल्स बहुत सारे लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. इसके लिए फिर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है. ओके, हाँ, इट्स बेसिकली अमन डेवलपमेंटल स्टेजेस में है ना,
दिस इज लाइक यू नो प्रिमिटिव से धीरे धीरे डेवलप होके कंपाउंड आय का यानी आय का डेवलपमेंट है ये. दिस इज नोन एज द डेवलपमेंटल कनेक्शन ऑफ द आई बॉल. तो पहले एंड इंसेक्ट्स के यानी लोअर एनिमल्स में इस तरीके से आई बॉल्स होते हैं. सो दे आर बेसिकली नॉट ऑफ एनी यूज फॉर द विजन. तो इनके जो एंटीने होते हैं ना दे आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. इसके लिए अगर आप देखोगे ना तो एंटीने आर ऑलवेज इन फ्रंट, ये हमेशा आगे रहता है हेड से. सो दैट यू नो दे विल रिसीव द थ्रेट और मे बी यू नो दे विल रिसीव दैट पर्टिकुलर सेंसेशन वेदर द वाइब्रेशंस आर बिकॉज ऑफ द प्रेडेटर और बिकॉज ऑफ द प्रे. स्पाइडर्स डोंट हैव कंपाउंड आय. किधर है ऐसा गौरव? देखो ये सारे जो एनिमल्स है ना इनमें विजन इज नॉट कंप्लीटली डेवलप. ओके सो दे डू नॉट हैव अ टिपिकल क्लियर इमेज क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव डेवलपमेंटल फेजेस में है. इफ यू टॉक एंड इफ यू सी फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ द आई पॉइंट ऑफ व्यू. श्रद्धा देयर इज सी बेसिकली इट्स अ कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज एंड देयर आईज आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज बेसिकली देयर ओवरऑल एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आई. तो आंखों का जो डेवलपमेंट हुआ है ना एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन ऑफ आई अगर आप देखते हो तो इट हैज इवॉल्व्ड लाइक दिस. अ प्रिमिटिव आई विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट, उसके बाद देन इट डेवलप्ड इनटू अ कंपाउंड आई एंड देन इट डेवलप्ड इनटू अ बायनोक्युलर विजन जो हमारा है मॉडर्न आय जिसको हम लोग बोलते हैं. तो वो धीरे धीरे डेवलप होते गया. अभी इंसेक्ट्स में अगर इसकी डेवलपमेंट की जरूरत होती तो शायद ये डेवलप होके बायनोक्युलर विजन में डेवलप हो जाता था. बट इंसेक्ट्स दे स्टिल डोंट रिक्वायर दिस बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आय फॉर देयर ओवरऑल एक्टिविटीज. करेक्ट. जब ये ऐसा हो जाएगा उसके बाद उनकी आंखें भी डेवलप होना चालू हो जाएंगे. सो इट्स एन एवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ ऑल दीज एनिमल्स. राइट. चलो ये तो हो गया हमारा टिपिकल आर्थ्रोपोडा. सो ओनली एरिकनिडा डोंट हैव कंपाउंड आई. या करेक्ट. अच्छा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था कि हमने कि अभी बाकी था. ये मोलस्क का आया है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा था, आया था क्या इसका? थोड़ा सा था मेरे ख्याल से. सर वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दोस प्रॉन्स एंड ऑल एडिबल. करेक्ट 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 करेक्ट. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हो गया था, वही मैं देख रहा था कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या. लोकोमोशन, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, एनाटॉमिकल फीचर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, माउथ पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. ये देखो ना माउथ पार्ट में भी देखो ना कैसे है ना, बाइटिंग टाइप, सकिंग टाइप, च्यूइंग टाइप. सर. यस बॉस. सर द लार्वे ऑफ दीज मॉथ्स एंड ऑल सर व्हाट आई हैव सीन इज दैट दे कंटीन्यूअसली शेड देयर स्किन. या आउटर स्किन. So, do these centipedes and all, do they do that too? No. Okay, sir. हाँ है ना, ये हनी बी का हमने पढ़ा था ना, हनी एंड वैक्स, इडेबल लॉबस्टर्स, इसका भी डिस्कशन हमने किया था कि ये बहुत महंगा होता है. करेक्ट. प्रॉन्स भी खाते हैं हम लोग. Yes, sir. ये है. है ना, सिल्क वर्म इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग द सिल्क. है ना, सो दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. चलो हार्मफुल आर्थ्रोपोड जैसे सेंटीपेड होता है, लिविंग फॉसिल्स, लिम्यूलस, किंग क्रैब इज ऑल्सो टाइप ऑफ हार्मफुल, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकुस्टा फाउंड ऑन द प्लांट्स, तो ये भी हार्मफुल है. मस्क्यूटोज आर हार्मफुल, एनोफिलिस मस्क्यूटो, क्यूलेक्स होता है, एडीज होता है. या चलो हो गया, डन. Good. Now we'll study the next phylum, that is the mollusca. What are the habits of the mollusca? अभी mollusca का मतलब क्या आता है? Mollusca का meaning आता है soft body and hard shelled animals. Okay, so that is the actual meaning of the mollusc.
मोलस्क का मतलब आता है सॉफ्ट बॉडी एंड हार्ड शेल्ड एनिमल्स, राइट? सो दीज आर द एनिमल्स विच विल हैव द सॉफ्ट बॉडी बट दे विल हैव अ कवरिंग ओवर देयर बॉडी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड शेल. सो दे आर ऑल फ्री लिविंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड जनरली सेडेंटरी. सेडेंटरी का मतलब क्या आता है? आराम से एक जगह बैठने वाले, ठीक है, कहीं इधर उधर जाते नहीं है, एक जगह पे आराम से बैठे रहते हैं. सो दे विल शो सेडेंटरी हैबिटेट्स और सेडेंटरी हैबिट्स. एनिमल्स आर गोइंग टू बी मराइन. जैसे मराइन में भी दो टाइप आते हैं, वन इज नोन एज द बेंथोइक एंड द अदर वन इज नोन एज द पेलिगिक. अब इसका मतलब क्या आता है पता है क्या? बेंथोइक का मीनिंग आता है द वन विच सर्वाइव्स, मराइन यानी समुद्र में ही, द वन विच सर्वाइव्स और लीव्स एट द बेस ऑफ ओशन. सॉइल जो रहता है ना ओशन के नीचे, तो वहां पे रहता है. और पेलिगिक का मतलब फ्री स्विमिंग, जो पानी के अंदर स्विम करते रहता है. समझ में आ रहा है? बेंथोइक मीनिंग द वन विच इज सीन एट द बॉटम ऑफ द ओशन, बेस और बॉटम ऑफ द ओशन, ठीक है, पानी में एकदम बॉटम पे ही रहता है. देखा होगा ना आपने नेशनल ज्योग्राफिक में वगैरह, दिखता है ना आपको. आपने ये एग्जांपल, ये सामने कौन है? ऑक्टोपस है ना, है ना? तो ऑक्टोपस सर ये मोलस्का, ये अलग फाइलम में पूछ रहा. तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा, राइट? सो दिस इज द बेंथोइक एंड पेलिगिक हैबिट्स व्हेन इट कम्स टू मराइन एनिमल्स, राइट? यस, ऑक्टोपस बेंथोइक फॉर्म में आएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. यस सर, बट ऑक्टोपस दे आर इन सेडेंटरी, राइट? ऑक्टोपस दे आर एक्चुअली ऐसे पड़े रहते हैं, उनके आजू बाजू में कुछ हुआ तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, तो एक जगह पड़े रहते हैं, ऐसे ही रहता है उनका टेंडेंसी. लेकिन हम लोग उनके एक्टिविटीज देखते करके हम लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है वो. ओके, पेलिगिक इज फ्री स्विमिंग एंड स्विम मतलब पानी के अंदर स्विम करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेलिगिक. जो पड़ा रहता है दैट इज बेंथोइक, ठीक है. फाउंड इन द मार्शी एरियाज ऑल्सो, मार्शी एरियाज मतलब ये वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मार्शी एरियाज में आपको मिल रहा है, ये क्या है? स्नेल है ना, करेक्ट? तो ये भी आपको मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सी हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, नाउ द बॉडी विल हैव, द बॉडी प्लान ऑफ दिस एनिमल्स इज गोइंग टू बी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेलिगिक एंड नेक्टॉन? अभी ये कहाँ पे पड़ा भाई? मिस्टर गौरव माड़ी, अभी इनका जो बॉडी प्लान जो होता है ना, दैट इज बेसिकली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. मतलब क्या? कैन एनीवन टेल मी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब क्या होता है? माउथ एंड एनस प्रेजेंट एट टू अपोजिट एंड्स. वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा, यस, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा फर्क रहेगा. क्या फर्क रहेगा? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. अभी आगे आएगा वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है. द सिलोम ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी सिलोमेट, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी इज देयर. सिमेट्री इज बायलैटरल और एसिमेट्रिक डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमल. शेल अगर इतना बड़ा रहेगा तो इट इज जनरली कंसिडर्ड एज एसिमेट्रिक. अगर आप इसकी बात करते हो जैसे ऑक्टोपस की बात करते हो तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट रेडियल सिमेट्री ऐसा है, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफकोर्स ऑर्गन लेवल सिमेट्री विल बी देयर. ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड हियर. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो जर्म लेयर इज गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ठीक है. सो दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल, दैट इज अ मोलस्क. लेकिन इसके अपने खुद के कैरेक्टर्स है. दिस आर द टिपिकल कैरेक्टर्स एज पर दी क्लासिफिकेशन, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा. अभी इनके खुद के कैरेक्टर्स हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, विच डिफरेंशिएट्स दिस एनिमल फ्रॉम द अदर्स. हाँ, यानी वो भी आता है डिपिका, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एडल्ट्स आर रेडियल एंड लार्वा इज गोइंग टू बी बायलैटरल, ठीक है. सो एनिमल कैसा उसके ऊपर रहता है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अरे यार हाँ ले लो ये. Done. Yes, sir. Tanuja, I need to take attendance.
तनुजा मैम आप अपना हाथ रे हाँ ओके आई एम इन मेकिंग यू द पैनलिस्ट ओके Tanuja ma'am, you can enter as a panelist and then you can take the attendance. एक मिनट है बच्चों हाँ ठीक हाँ क्या हो रहा था organ level organization actually symmetry वो word गलत गया है it should be organ level organization मतलब proper organs organ systems develop हो जाएंगे sir I am confused here also snails aren't सेडेंटरी हाँ ठीक है ना स्नेल्स आर सेडेंटरी ऐसा नहीं बोल सकते ना बेटा हम लोग वो भी ऐसे स्लो एंड स्टडी चलने वाले एनिमल्स है ना आराम से बैठे रहते एक जगह पे या फिर धीरे 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 मूव होते रहेंगे सेडेंटरी का मतलब आता है एक जगह पे जो पड़ा रहता है लेकिन अभी नेचुरली खाना अगर उनको खाना है या फिर किसी प्रेडेटर से सेव करना है अपने आप को so that they will not become the prey of some predator so they have to move around तो थोड़ा सा तो मूवमेंट आएगा ना श्रद्धा बट अदरवाइज इफ यू सी द काइंड ऑफ एक्टिविटीज शोन बाय द एनिमल्स एंड सेडेंटरी हैबिट्स ठीक है सर दैट मींस दे आर समवॉट लेजी लेजी हाँ गिवन अ चांस दे विल रिमेन एट वन प्लेस लेकिन बहुत ही ज्यादा आपने तकलीफ दिया या एनिमल से कुछ तकलीफ हो रहा है या फिर उनको खाना नहीं मिल रहा है देन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर In fact, if you see, there are some species of octopus, they are basically camouflaged. उनका camouflage भी होता है. मतलब the soil color and their body color is same. So you won't be able to identify whether the octopus is present there or no. So camouflage is an activity to save themselves from predation. Because they want to sit idle at one place. ऐसा है. Sir, does yes. it should be organ system level? Yes, yes. Organ system level organization hi hai, Vaishnavi. You are right. Sir, does that mucus like fluid which snails secrete helps snail in movement? Basically, that's a lubricating fluid which helps them to stick at one place. Correct. तो वो उनके लिए बहुत जरूरी होता है. चलो आगे. Sir, we came to see snails mainly in. हाँ, बराबर. Because that's their tendency, Vaishnavi. जैसे frog का tendency होता है ना कि frogs are generally seen only during rainy season, right? तो वैसा ही इनका भी ये tendency है sir. They are active more during rainy season. Yes, Soham. The octopus का शिकार कौन करते हैं? Octopus का शिकार करने वाले बहुत बड़े-बड़े fish होते हैं ना. Shark होता है, whale होता है, बहुत सारे होते हैं. तो उनको भी खाने वाले लोग होते ही हैं. So they need to save themselves from the other animals, right? अभी देखो, we are in general talking about this. अभी अगर आप octopus के कुछ species देखोगे तो उनको कोई खाएगा नहीं, the one which is very large. ठीक है, तो क्योंकि इसके भी बहुत सारे अलग-अलग species रहेंगे ना, और species के हिसाब से थोड़ा tendency बदलता है animal का. Okay, good. Where do they go in summer and they are known to hibernate summer or winter mein hibernation ka process bolte usko hum log so they are generally inactive hibernating aisa bolte hain log usko theek hai sir do snail have eyes who yes they have the eyes na compound or developed nahi simple eye it's not a compound eye it's called a simple eye and then we have binocular vision which is different binocular eye jo hamara hai ओके चलो फाइन सो दिस आर द फ्यू अच्छा अभी थोड़ा इधर ध्यान दो हाँ नाउ इफ यू सी दिस इज द टिपिकल बॉडी ऑफ द स्नेल ये स्नेल का बॉडी है अंदर से आपको इस तरीके से दिखेगा सी हाउ द बॉडी डिवीजन इज ओके नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट पार्ट दैट इज द हेड रीजन ओके विच इज समवेयर हियर तो ये वाला इसका हेड रीजन है जो ऐसा आगे फिर ये पूरे हेड रीजन को बाहर निकालता है फिर वापस अंदर लेकर जाता है सो दैट इज हेड रीजन उसके बाद वी हैव द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज द विसरल मास विसरल मास मतलब ये वाला रीजन जो शेल के नीचे है विसरल मास विसेरा का मीनिंग आता है इंटरनल ऑर्गन्स ओके इंटरनल ऑर्गन्स मतलब विसेरा
सो पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है वो ऐसा ये वाले रीजन में रहेगा विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द शेल. ओके एंड द थर्ड वन नेचुरली उनको मूवमेंट के लिए लेग्स लगेंगे सो द थर्ड पार्ट इज द फुट. लेकिन ये फुट भी देखो कैसा है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज द फुट. सो दिस आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल. राइट, स्नेल जैसे एनिमल में आपको ये सारे रीजन मिलेंगे. वन इज द हेड रीजन, द अदर वन इज द विसरल मास, एंड द थर्ड वन इज द फुट रीजन. सो दिस इज हाउ द एनिमल विल बी सीन. नाउ दे आर नोन टू सीक्रेट दिस हार्ड कैलकेरियस शेल. मैक्सिमम सारे एनिमल्स में आपको ये दिखेगा, इवन ऑक्टोपस में होता है, बट हेड रीजन इज कवर्ड बाय दिस ट्रांसपेरेंट कवरिंग. तो वो थोड़ा सा हार्ड कैलकेरियस होता है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहता है तो पता नहीं चलता है. लेकिन इनको ये शेल रहता है एंड दिस शेल इज नोन एज द मेंटल. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल. यस, इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट देयर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. हो गया. हाँ, ओके. सो दे आर नोन टू सीक्रेट दिस. सर मोलिस्क आर बोलता हूं हमेशा आएगा सर. दे आर नोन टू सीक्रेट अ हार्ड कैलकेरियस शेल एंड दिस शेल इज नोन एज द मेंटल. तो बाहर से जो पूरा शेल दिखता है आपको, सो दैट शेल इज नथिंग बट द मेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कैलकेरियस. कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ. नाउ If you see the shells internal, जैसे shells are internal, for example shells of squid, तो ये इस तरीके से दिखेंगे. External, like for example shells of this is, how do you pronounce this? Shank. Turritella duplicata. हाँ, this, how do you pronounce this? Turritella duplicata. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ट्यूरीटेला ड्यूप्लीकाटा. दैट इज शंख, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वाला शिंपला या शंख, शिंख शंख बोलते उसको. सो शेल्स आर इंटरनल लाइक फॉर एग्जांपल स्क्विड में आपको मिलेगा, एक्सटर्नल लाइक फॉर एग्जांपल शेल्स ऑफ ट्यूरीटेला ड्यूप्लीकाटा. तो ये बाहर रहता है एंड बॉडी विल बी कवर्ड बाय दिस. ठीक है, यस. ऑक्टोपस के स्केलेटन पे भी ये शेल रहेगा, मेंटल रहता है ये. शेल इज एबसेंट इन सर्टन एनिमल्स लाइक दीज. न्यूडीब्रैक करके एक एनिमल आता है विच बिलोंग्स टू दिस फाइलम ओनली, बट इट इज बेसिकली द वन विच डज नॉट हैव द शेल. सो शेल्स आर एब्सेंट हियर इन दीज एनिमल्स, दैट्स कॉल्ड एज न्यूडीब्रैक. सो देयर आर द फ्यू शेल्स, टाइप ऑफ शेल्स एंड वैरायटी ऑफ शेल्स एंड देयर एग्जांपल्स. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ये लास्ट स्लाइड देख लो सर. इसके भी पहले वाला, दिस वन. यस सर, डन सर. हो गया ये लिख के. शेल्स कैन बी इधर इंटरनल, शेल्स कैन बी इधर एक्सटर्नल, और दे कैन बी एब्सेंट. ओके चलो, मेंटल एंड द हम्प. मेंटल रहता है और उसके साथ उसका एक ऐसा हम्प भी रहेगा और उसके ऊपर मेंटल यानी कवरिंग रहेगा. वैष्णवी को फिर से लास्ट लड़ी चाहिए. वैष्णवी ये देख, चलो इनका उसको भी एक हम्प रहता है, इनका जो बॉडी रहता है उसको भी एक हम्प रहेगा विच इज प्रेजेंट इन द मेंटल. एंड बिटवीन द हम्प एंड मेंटल वी आर गोइंग टू हैव द मेंटल कैविटी. ठीक है, दोनों के बीच में एक मेंटल कैविटी होता है अलॉन्ग विद द फेदर्स विच इज लाइक अ गिल, जो गिल की तरह रहेगा. ओके, इट एक्ट्स एज अ गिल्स. सो नेचुरली इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन रहता है रेस्पिरेशन एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन पर्पज. अगर आप लोगों को पहला डायग्राम अगर याद रहेगा, यहाँ पे वो आए नहीं है फोटोग्राफ, तो अगर आप देखोगे तो ऐसा मेंटल रहेगा, उसके नीचे हम्प रहता है और दोनों के बीच में कैविटी रहता है. दैट्स कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी विच विल हैव द फेदर्स. ठीक है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सो दे लुक लाइक गिल्स. सो दे आर नेचुरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
along with that they are also responsible for the excretion, तो वो excretion का भी काम करते हैं. Okay, so ये एक important characteristic they have, a very important characteristic जो ये MCQ point of view से important है. Sephora is asking for अरे हरे 11:36 हो गया, ब्रेक लेना है सर, 11:45 का दो, 11:45 को कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है. हाँ वो थोड़ा सा है दीपिका, उसमें ना माउथ एंड एनस इज एट नियर बाय प्लेसेस में रहता है, ऑलमोस्ट नियर टू ईच अदर. आएगा वो कॉन्सेप्ट आगे वापस. 12 पीएम को नहीं रे बाबा, 12 पीएम को लेंगे तो क्या आधा ही घंटा बचता है. चलो एक एक ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ लेते एंड देन वी विल हैव अ ब्रेक. ओके चलो न्यूट्रिशन अगर देखते हो, सो दे आर जनरली प्लांट नोन टू ईट द प्लांट एज वेल एज द एनिमल मैटर. एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाएंगे या फिर प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनको ये खाते हैं. सो दैट इज हाउ द न्यूट्रिशन ऑफ दिस एनिमल्स विल बी सीन. लोकोमोशन इज ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ द आर्म्स, जैसे ये वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंटेकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, बट हियर इट इज कॉल्ड एज द आर्म्स. और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ द फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्नेल, तो स्नेल को भी फूड रहता है लेकिन वो एकदम ऐसे फ्लैट फूड रहता है, राइट, does not have toes and everything, but it will have a structure like a foot. So with the help of that, they are known to locomote. Okay? अच्छा, अभी इसमें anatomical characters जो आते हैं, उसमें now we need to study the typical internal organs and their anatomy, how the digestive system is arranged, किस तरीके से उसका arrangement हुआ है, excretory system रहेगा तो क्या रहेगा, how is the reproduction, तो ये सब इसमें आएगा. So nutrition में either they are known to eat the plant matter or animal matter, and locomotion में either with the help of arms, जिसको हम लोग tentacles भी बोलते हैं, है ना, octopus के tentacles, लेकिन tentacles is generally seen in hydra-like animals, तो उसमें आएगा. But we call this here is as arm, or it can be with the help of foot. Nutrition में कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ इतना ही है. Most important which we need to study now here is, that is the anatomical features. Okay, हम लोगों को अभी anatomical features पढ़ने, which is going to be very important, right? मेरे ख्याल से अभी break ले लेते हैं क्योंकि anatomical features फिर मैं continuously पढ़ाऊंगा. It is 11:38 now. Okay, second last slide. कौन सा वाला बेटा, ये वैष्णवी, तो ये, तो ये लिख लो. डन वैष्णवी, डन, चलो गुड. नहीं नहीं फंक्शन हम का नहीं है, वो हम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, और वो फंक्शन जो है वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना बुशरा, ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, लाइक अ गिल्स, तो उसका वो फंक्शन था. ओके चलो, इट इज नाउ 11:39 11:40 ऑलमोस्ट हो गया है. सो वी विल हैव ब्रेक टिल 11:50, 10 मिनट का ब्रेक. सो लेट्स मीट आफ्टर 10 मिनट्स. ओके टेक अ ब्रेक. ओके ये आ गए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्लासरूम में, गुड, दिख रहा है ना. कुछ नहीं हुआ अमन, क्यों सर क्या हुआ,
अच्छा ये क्या कौन मुझे कुछ तो भी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, किसने पूछा है पता नहीं, कौन नाम ही नहीं दिख रहा है। सर अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी बट सर अपेंडिक्स इज यूजफुल इन ह्यूमन बॉडी टिल टीन एज आई, क्यों? किसने पूछा ये क्वेश्चन? अमन दू ने पूछा? यस सर। ये yes. क्या टीनेज तक क्यों अपेंडिक्स रहता है चालू, किसने बताया तुझे? कौन है वो इंसान जिसने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है? गलत इंफॉर्मेशन है, इट इज रॉन्ग। अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल राइट सिंस द टाइम व्हेन वी आर बोर्न और बिफोर दैट आल्सो व्हेन द ऑर्गन डेवलप्स। ओके, सो इट इज जस्ट दैट वी आर वेटिंग फॉर द रिमूवल ऑफ दैट अपेंडिक्स नेचुरली। वो धीरे धीरे होगा, सम थाउजेंड ईयर्स विल गो बाय एंड देन इट विल बी गॉन फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, एनाटॉमिकल फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप देखते हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में ना इधर ट्विस्ट है। सो एज वी डिस्कस्ड दैट इट हैज बोथ ना माउथ एंड एनस एट टू डिफरेंट एंड्स, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो पोजिशन ऑफ द माउथ एंड एनस इज क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। So here there will be presence of anterior mouth called as the radula. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as radula, which is the mouth of this particular animal. And then we are going to have the posterior anus, which is present here. But if you see the position of the mouth and the position of the anus is quite close to each other because this entire digestive system has the twist. Okay, so a typical gastropod animal having U-shaped intestine. Okay, so we call this as gastropod because it has a U-shaped intestine like this. Okay, so this is how the important feature. So another important feature of the mollusk from MCQ point of view. Nidhi ko link nahi mila. Nidhi, theek hai, main wapas bhejta hun group pe. Don't worry. ओके यहाँ पे भेज सकते क्या, देखता हूं अगर लिंक कॉपी हो सकता है तो। हाँ शायद हो रहा है, देखो इधर भेज दिया मैंने ग्रुप पे, चैट पे भेज दिया यहाँ पे, जस्ट चेक। एनीवे, सो दिस इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड विच इज यू शेप्ड इंटेस्टाइन विच इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोपोड। व्हाई? बिकॉज इट हैज द यू शेप्ड इंटेस्टाइन and that is why the anus and the mouth opening, they are quite close to each other. So this is another important characteristic of this particular animal. And radula is a rasping organ which actually will have the transverse row of the teeth. Rasping organ ka matlab kya aata hai? Kheench leta hai wo food substance ko, theek hai? Aise pakad ke chaba nahi sakta na, to thoda sa usko aise kheench leta hai, uske baad then it has the transverse row of the teeth with the help of which it will start biting. So as you can see here, the transverse row of teeth being present, correct? So that is the radula. Iske liye usko typical mouth nahi bolte, hum log isko radula bolte. Yes, tarsin manje ha tarsin kidhar torsion na? Torsion na? टॉर्शन मतलब ट्विस्ट, ठीक है? पिरगळणे ज्याला म्हणतो ना आपण, पिरगळणे मराठीत, पिरगळणे दॅट इज टॉर्शन। सर येस, पोस्टीरियर एनस का पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। अभी देखना बेटा, अभी यहाँ पे ये रेडुला है विच इज अ माउथ which is present anteriorly, ये anterior region है और ये posterior पीछे, लेकिन ये इधर होना चाहिए ना, पीछे की तरफ होना चाहिए ना कि पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे आता है। so posterior anus is present close to the mouth, radula. Get in this? Yes sir. Posterior मतलब पीछे, anterior मतलब front, that is the only meaning. Now, respiratory system. In respiratory system, how do they breathe? Iska breathing kaise hota? Depends on the type of animal. Aquatic forms mein they are going to have the gills. Okay, aquatic form rahega to unko gills rehte hai. These gills are known as the tinidia. Theek hai? So the name is given as tinidia. So these are the typical gills of these animals if they are in aquatic form. Dorsal gill passage diya hua hai. Dekho, ye wala jo dikh raha na red color ka, that's called as the tinidia. See, silent. Another important MCQ point. Gills of the aquatic forms of mollusk is known as what? It's called as the tinidia.
और टेरेस्ट्रियल फॉर्म रहेगा तो दैट विल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. तो टिपिकल लंग्स विल बी डेवलप्ड हियर इफ द एनिमल इज टेरेस्ट्रियल. सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एक्वेटिक फॉर्म में गिल्स आर प्रेजेंट बट द गिल्स हियर आर नोन एज द टिनिडिया. So this is important, as I said, from MCQ point of view. Tinidia are what? They are the respiratory organs of the aquatic forms of mollusk. ठीक है, terrestrial रहेगा तो it is in the form of lungs. Circulatory system in these animals is going to be open type. When I say open type, meaning what? Open type का मतलब क्या आता है? They do not have the blood vessels, and the blood-like fluid is flowing through the open spaces. Those spaces are called as what? They are called as the hemocele, or also called as the lacunae. Okay, okay. But we have one example of the mollusk known as sepia, and this organism is different than the other organism. This is the only animal in mollusk which has the closed circulatory system. And because it has the closed circulatory system, so there will be presence of blood along with the hemoglobin type substance or a pigment called as hemocyanin. Okay, so inka pigment jo hota hai wo hemoglobin ki jagah hota hai hemocyanin, and which is nothing but a blue colored respiratory pigment, right? Theek hai, so ye respiratory pigment isme rehta hai. So the gases are dissolved in the ब्लड लाइक फ्लूड. तो ये फ्लूड में हीमोसाइनिन की मदद से गैसेस डिसॉल्व रहते हैं. सो दिस इज अ ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज द हीमोसाइनिन. रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या आता है? द वन विच कैरीज द गैसेस ना, इसके लिए उसको बोला गया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट. यस, ऑक्टोपस में भी हीमोसाइनिन ही है. करेक्ट अमन? ठीक है, सो दिस इज द ओनली एनिमल विच हैज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सेपिया इज द एग्जांपल, दिस इज द नेम ऑफ द एनिमल. फाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम. हाउ इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे हैव अ डेवलप्ड ऑर्गन. अभी टिपिकल पहले कैसे था, फ्लेम सेल्स थे या फिर माल्फिगियन ट्यूबल्स थे. अभी एक ऑर्गन बन गया, दैट्स नोन एज द ऑर्गन ऑफ बोजानस. Okay, so we have a very important organ here that's called as the organ of Bojanus, which is responsible. Jo aapko na, somewhere here in this region, you will see this, ye wala. Theek hai? So this is called as the organ of Bojanus. Very important name for the excretory system in mollusk. So mollusk ka jo excretory system hota hai, that is known as organ of Bojanus. Last slide, sir. ये लास्ट स्लाइड. डन. हो गया. अच्छा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? Somebody is asking me what is respiratory pigment. What is respiratory pigment? Hello, 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 hello. Mic check, mic check. 1 2 3 1 2 3. Blood. नहीं बेटा. Blue colored respiratory pigment, the one which carries gases in the dissolved form. इसके लिए उसको respiratory pigment बोला गया है ना? Oxygen and carbon dioxide. Okay? ठीक है? So one which carries both gases. Deepika, Kaber's organ and this is same. Organ of Bojanus. Okay, so this is the organ of Bojanus in this particular animal. Okay, nervous system. Ab inka nervous system kaise rehta hai? So nervous system will be seen little developed. Pehle animal se thoda sa developed milega. So in the head region, we are going to have a brain-like structure. And in the foot region, we are going to have the pedal ganglia. Pedal ka matlab aata hai foot. So ganglia which are present in the foot. And there are in the visceral region. Matlab jahan pe organs hai, to wahan pe rahega abdominal or visceral ganglia. So basically, it's a ganglionated nervous system.
So the entire nervous system is a ganglionated nervous system. Okay, so that is how ganglia are seen here. Sir, last slide. फिर से किसी को तो भी last slide चाहिए. हाँ, ये last slide. हो गया. एक मिनट आ जरा, मुझे एक कॉल आया है. जस्ट गिव मी अ मिनट सर. एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes, बोलो. सर, organ of Bojan's, octopus मतलब आहे ना त्यात. हो, सारे मोलस्क में आता है. मत एक पर्टिकुलरली कुठे प्रेजेंट असतो? हेड रीजन ना उनका, जो ये देखो उनका ऑक्टोपस का नहीं ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, बराबर है, लाइक दिस. यस, है ना. और यहाँ पे उनके फिर ऐसे टेंटेकल्स है लाइक दिस. तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, दिस इज ऑल दी विसरल रीजन. इसी में आपका हेड और सारे ऑर्गन्स रहेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. ये सिर्फ उनके फीट है, टेंटेकल्स है, तो उसमें नहीं रहेगा. एक्सेप्ट दे हैव दी एक्सेसरी हार्ट रहता है ऑक्टोपस को. तो ऑक्टोपस को एक की जगह तीन हार्ट रहते हैं. वन सेंट्रल हार्ट रहता है विच इज इन दिस बॉडी रीजन, एंड दी अदर आर दी एक्सेसरी हार्ट, जो दो रहते हैं टेंटेक्युलर रीजन में रहते हैं. ओके ईशानी, मैंने वॉइस माइक बंद कर दिया था बेटा. समझा आपको, किसने पूछा था मुझे ये? यस सोहम. सोहम, ओके, चलो गुड. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम. अच्छा, नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी गैंग्लियोनेटेड ओनली. सो हेड रीजन में इट्स गोइंग टू हैव अ गैंग्लिया. इफ यू कैन सी हियर, हार्ट इज मायोजेनिक, करेक्ट, मसल से बनता है. अब ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हम लोग देखते हैं बाद में, ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा. सेरेब्रल गैंग्लिया विच इज लाइक अ ब्रेन, विच विल वर्क लाइक अ ब्रेन. सो गैंग्लिया ही होते हैं विच वर्क्स लाइक अ ब्रेन, विच इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. देन पेडल रीजन मतलब फूट रीजन जो रहता है ना. सर इसके पॉइंट्स क्या लिखने हैं बोलो ना. किसके रे बेटा? बुशरा, बुशरा, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में लिखो, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम. हेड रीजन विल हैव सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है. फूट रीजन विल हैव, फूट विल हैव पेडल गैंग्लिया. Okay, and the visceral mass will have abdominal ganglia. जो यहाँ पे circle किया हुआ ना वो वाला, ऐसे लिखो.
ठीक है. सो इट्स कंप्लीटली गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम हैविंग गैंग्लिया प्रेजेंट इन द हेड रीजन, पेयर ऑफ गैंग्लिया इन द फुट रीजन एंड सम पेयर ऑफ गैंग्लिया इन द विसरल मास विच इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय द मेंटल, जो मेंटल से कवर्ड रहता है. सो वहां पे ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे गैंग्लिया रहेंगे एंड एवरी गैंग्लिया विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. One ganglia will be connected to each other with another ganglia by a band of nerve fibers. And this band of nerve fiber is known as the commissures. ठीक है, और also called as the connective. VM is this visceral mass. ये वाला visceral mass. Okay. So they are all connected to each other by the commissures or also known as the connectives. तो अगर आप देखोगे ना तो हर एक गैंग्लिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स, राइट. इफ आई हैव टू अगेन शो यू इन द डायग्राम, ये पूरा डायग्राम देखो, कैन यू सी दिस, दिख रहा है आपको. यहाँ पे ये सेरेब्रल गैंग्लिया है ये वाला और ये वाला. प्लूरल गैंग्लिया भी होता है लाइक लंग्स की तरह. दिस वन इज द पेडल गैंग्लिया, सो दिस इज कनेक्टेड बाय कमिश्योर्स. यहां से पेडल गैंग्लिया इधर भी है, सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड. दिस पेडल गैंग्लिया इज कनेक्टेड टू द प्लूरोविसरल कनेक्टिव या फिर विसरल गैंग्लिया. सो दिस वन इज द विसरल गैंग्लिया. सो दिस इज अनदर कनेक्टिव, दिस इज अनदर कनेक्टिव. यहाँ पे कनेक्टिव आएगा. सो दिस इज हाउ द बैंड्स विल बी सीन. सो सपोज अगर हेड रीजन में ऐसे दो गैंग्लिया है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस टू द, से फॉर एग्जाम्पल पेडल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया विल बी कनेक्टेड टू द विसरल गैंग्लिया लाइक दिस. तो ये जो निकाल रहा हूं ना मैं, दिस आर ऑल कॉल्ड एज द कनेक्टिव्स और कमिश्योर्स. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एंटायर नर्वस सिस्टम एज द गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये पूरा नर्वस सिस्टम इस तरीके से गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम हो जाता है, राइट. सर कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ लो. यस बोलो. Sir, can you please repeat what is visceral mass? Visceral mass का मतलब आता है all the internal organs, body organs. जितने भी body organs होते हैं उसको हम लोग विसेरा बोलते हैं, और वो सारे एक जगह पे रहते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है visceral mass. Okay? Yes, sir. चलो आगे बढ़े. Sensory organs. Sensory organs are in the form of the eye. So a vision will be developed here, but it's going to be a simple eye. Okay, simple eye रहता है, vision रहता है उनको, but again it's going to be not a typical binocular vision जैसा हमारा होता है ना, उस तरीके का नहीं रहेगा. Developed vision नहीं है, but they will have the vision. मतलब अभी compound eye से ये simple eye की तरफ गया. Okay, tentacles of course they are basically the one which is responsible for receiving all the sensations from the environment. So they will have tactile sensation. Now, do you know what is this sensation? Tactile sensation का मतलब क्या आता है? कुछ animals में, not in all the mollusks, there are some mollusks which will have the tentacles. अगर tentacles रहते हैं, उनका काम क्या रहता है? So they are known to receive the vibrations from the environment. Now, what is tactile sensation? A typical example of tactile sensation which can be given is this, that you are sitting idle or you are writing something and suddenly you find that there is something which is creeping over the neck, something which is creeping over your hand, something which is creeping your leg. So aap jab dekhte ho to aapko pata chalta hai ki ek chota sa chiti hai, matlab ant. There is one ant which is crawling on your neck and you can feel that particular sensation also. Abhi ant does not have a weight, ant does not have a pressure, ant does not have anything, but still we receive that sensation. So such a minute sensation is received by our body. That is known as tactile sensation. Samjha? Samjha sabko? Yes, sir. So, इतना सेंसिटिव रहता है ये एनिमल का tentacles. Okay? So, they are very sensitive. ठीक है? Now, they will have a structure known as the osphardia or osphardium, which is basically for testing the water purity. मतलब ये एक specialized organ होता है, which helps them to test the purity of the water. मतलब if the water is contaminated with too many things, too many poisonous things, या फिर water में अगर quantity, quality जैसा चाहिए उनको, वैसा अगर नहीं रहेगा, मतलब it is more of, you know, contaminated by organic waste and all. So these animals will move from that particular region and they will try to live in an area or water which is more clean.
Correct. So they have these specialized organs which are known to test the water purity. Okay, that is known as Osphardia. ठीक है. Another important MCQ वाला question, Osphardia. Important from MCQ point of view. ठीक है. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes sir. Okay, good. The reproductive system in these organisms, the sexes are going to be separate. So we are going to have a male and female. Kitna beautiful photos hai dekho. Male and female animal is going to be completely different. The organism is either going to be oviparous or the organism that is egg laying. Theek hai? And the development will be direct or indirect. Theek hai? So the development is going to be direct or indirect in the form of लार्वा. इनडायरेक्ट रहेगा तो लार्वल स्टेज रहेगा, डायरेक्ट रहता है तो इट डज नॉट हैव लार्वा डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वन. सो एग लेइंग टेंडेंसीज आर सीन इन दिस पर्टिकुलर एनिमल्स. सो दैट इज हाउ द सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट इन दिस एनिमल्स. वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से अ फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. दे विल हैव ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है या तो वो एक्सटर्नल रहेगा या फिर इट्स गोइंग टू बी अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ओवीपैरस इन नेचर. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनिमल, इधर दे विल हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दे विल हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. राइट. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्क, जैसे ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज द डेविल्स फिश. Then we have aplasia, which is also known as the sea hare, जिसको हम लोग बोलते हैं. Then we have one more example, dentalium, tusk shell बोलते उसको. ठीक है. Then we have this is known as chitoplura, और chiton is what we commonly call this as. ठीक है. So these are the few examples. Then we have another, pila, which is also called as the apple snail. Then this is known as pinktada or also called as the pearl oyster. Bolta hume dikhata ho sare. Sepia, also known as the cuttlefish, or loligo, also called as the squids. Theek hai? So these are all the typical examples of mollusk. Chalo, ye likh lo pehle fatafat example. Octopus, devil fish, aplasia, sea hare. Theek hai? Then we have dentalium, tusk shell, jisko bolte hum log. Then we have Chitoplura, also called as chiton. Very good. Aman ko chiton cute lag raha hai. Ho gaya? 1 minute. Haan. Finished? No, sir. नहीं नहीं, नॉन लिविंग नहीं होता है शरद, लिविंग ही है ना, एनिमल है डेंटालियम, नॉन लिविंग का क्या उसमें. चलो, ऑन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज पाइला, आल्सो कॉल्ड एज एप्पल शेल, पिंकटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड्स. इसका क्लासिफिकेशन है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन. ठीक है. मोनोप्लैकोफोरा और कुछ कुछ है उसके, चीटॉन करके कहता है. सर, हाँ, ऑक्टोपस ला डेविल फिश काबर बनता? बिकॉज़ उसका टेंडेंसी वैसा है ना, अटैकिंग टेंडेंसी होता है ना, लाइक अ डेविल. यानी एक बार कोई ऐसा शिकार उसको मिल जाए तो वो सोचता नहीं उसके बारे में. यानी समुद्र का राक्षस है ऐसा ही बोलते हैं ना, बिकॉज साइज भी कुछ कुछ ऑक्टोपस का बहुत ह्यूज होता है. सो दे आर एक्चुअली लाइक दैट. पर्ल कैसे फॉर्म होता है? बापरे, ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है रे बेटा दीपिका. इट विल टेक लिटिल टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस. बोलता हूँ मैं लेकिन आपको. हाँ बोलो. लॉलीगो जी दाखवले पिक्चर मध्ये ते पण ऑक्टोपस सारखं दिसते ना. हाँ, सेपिया इज ऑल्सो लाइक ऑक्टोपस, लेकिन वो वरायटी अलग है. लॉलीगो इज डिफरेंट देन ऑक्टोपस. स्क्विड्स बोलते उसको हम लोग, खाते ही इसको. मीन साइज छोटी रहती का? हाँ, इसका कब नहीं, इसमें भी बहुत बड़े साइज वाले भी होते हैं, बट जनरली एवरेज साइज या मिडिल साइज वाले खाते हैं.
ऑक्टोपस को भी खाते लोग. हे पण ऑक्टोपस सारखंच आहे, साइज पण त्याच्यासाठी मोठी होऊ शकते. मग याला का नाही डेविल फिश म्हणून? नाही, साइज छोटा आहे ना ऑक्टोपस से, और इसका टेंडेंसी अलग है. ऑक्टोपस का टेंडेंसी अलग है. यस, ऑक्टोपस का कैमोफ्लाज वाला टेंडेंसी होता है, क्रूकेड माइंड. ठीक है सर. डिस्कवरी मध्ये बघितलं होतं की ते काहीतरी ते इंक सारखं सोडतं. येस, दॅट इज बेसिकली टू प्रेडेशन से बचने के लिए होता है वो. सो दॅट्स अ स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन विच इज रिलीज्ड बाय देम टू प्रिव्हेंट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग प्रे. प्रोटेक्शन का काम करता है वो उनके लिए. तो पूरा पानी खराब हो जाता है ना, सो दे गेट अ चांस टू रन. सर काय असतं पण ते? दॅट्स अ फ्लुइड, दॅट्स अ नॉर्मल फ्लुइड विच इज सिक्रेटेड बाय द ग्लँड. डायजेस्टिव्ह ग्लँड से सिक्रेट होता है वो. यस, कलर्ड फ्लुइड, पिगमेंटेड फ्लुइड. ठीक है. हाँ, क्या कौन सा लास्ट लाइन चाहिए था? ये वाला मृदुल. डन. इंक ग्लैंड्स, करेक्ट. दीपिका इज राइट. They are called as the ink glands. उसमें कुछ ink glands से poisonous ink भी रिलीज होता है. After this यही है बेटा मृदुल. Done? So which are the important examples? सारे important है, सारे याद रखो. Yes. चलो done. So now we have completed this particular part, that is mollusca. Iska kuch classification hai, but we are not going to go into details of the classification. Characteristics sirf yaad rakho, kyunki iske aage ke classifications ki itni zyada zarurat nahi padegi. Sir, octopus mein aisa kya hota hai ki wo apne color badal, haan, so like chameleon ki tarah hi hota hai na. So they have specialized glands, skin glands hote hai wo. So pigmented glands hote hai, with the help of hormones they change. So it's like a neuro hormonal tendency hota hai. So neurons will receive that particular sensation from their area, or maybe, you know, environment. It will be accordingly, the colors will be released through the skin glands with the help of hormones. So neuroendocrine control hai wo pura, right? Next phylum which we have is, after mollusca comes, is the echinodermata. Echinodermata ye ek mere khayal se almost second last phylum hai of non chordates. Uske baad hemichordate hai, and then we have to start with the chordate, and then the chapter will be done. Lekin abhi ye wala phylum hum log abhi nahi chalu karte, we will do it in the evening. 4 se 6 ke beech mein hum log karenge. Aaj bhi mera 4 se 6 mein lecture hai, so that time you all have to come. Okay, so we will stop here now. Thank you very much. Thank God you, bless you all. Bye bye. See you. Thank you, sir. Bye, yes. Sir. Bye bye. शाम को आओ सब लोग 4 बजे. Yes, sir. Sir. और सब लोग join करो classroom. Okay. Bye. Bye, sir. Boy. Yes. Boy.